गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा इस लेक्चर में हम लोग रेडिएशन का वो पार्ट पढ़ेंगे जिसे हम ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आप जरा ध्यान रखिएगा, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम हम यहां पर इसकी बात करने जा रहे हैं। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, राइट। देखिए क्या होता है, डिफरेंट बॉडीज को आप समझिएगा। आप जानते हैं हर बॉडी का अपने टेम्परेचर के ऊपर, जो भी उसका टेम्परेचर है, सरफेस से कुछ रेडिएशंस एमिट होते रहते हैं। ल्यूमर एंड प्रिंग्सहाइम ने बाद में, और पहले एक और वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट बॉडीज को अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म किया और अलग अलग टेम्परेचर पे हीट अप करने के बाद उससे जो बेटा हीट रेडिएशंस एमिट हो रहे थे, उस हीट रेडिएशन की इंटेंसिटी और वेवलेंथ में ग्राफ प्लॉट किया। इसी ग्राफ को हम ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये ग्राफ किसके बीच में है, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड, एंड इसे आप ई लैम्डा कह सकते हैं, इसे इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। आप कहोगे इंटेंसिटी क्यों कहेंगे, क्योंकि याद करो बेटा कि जब हमने स्टीफंस लॉ पढ़ा था तो ई क्या था, ई वॉज द एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम पर यूनिट एरिया, और इंटेंसिटी की भी तो बेटा यही डेफिनेशन है, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम पर यूनिट एरिया। तो वास्तव में ये इंटेंसिटी है। साइंटिस्ट के ग्रुप डिफरेंट बॉडीज को अलग अलग टेम्परेचर पे हीट अप करके जो स्पेक्ट्रम बना, जो वेवलेंथ और उसकी इंटेंसिटी में जो ग्राफ बना उसे प्लॉट किया, और इस ग्राफ को हम ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये कुछ ऐसे आता है। एक खास टेम्परेचर पर देखा गया कि वेवलेंथ बढ़ने के साथ इंटेंसिटी बढ़ती है, एक खास वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, लैम्डा एम लिख सकते हैं, लैम्डा मैक्स भी कह सकते हैं, और फिर घटने लगती है। और ये ग्राफ एक खास टेम्परेचर टी पर है। तो एक ग्राफ क्या बता रहा है, एट ए डेफिनेट टेम्परेचर टी, एक बॉडी को एक निश्चित टेम्परेचर टी केल्विन पर आपने हीटअप कर दिया, उससे जो रेडिएशन एमिट हुए उनकी इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया और उनकी वेवलेंथ में रिलेशन निकाला, तो ये पाया कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है इंटेंसिटी बढ़ती है, एक खास वेवलेंथ पर इंटेंसिटी मैक्स हो जाती है और उसके बाद वेवलेंथ बढ़ने के साथ इंटेंसिटी घटने लगती है। तो ग्राफ इस नेचर का आता है, ठीक है। इवन ये देखा गया कि अगर इस बॉडी का टेम्परेचर को अगर बढ़ाया जाए, टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ करिस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, जरा ध्यान रखिएगा, अगर हम इसका टेम्परेचर टी डैश कर दें, इट इज ग्रेटर देन टी, तो देखा कि इस बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो जो वेवलेंथ, देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी के करिस्पॉन्डिंग वेवलेंथ पहले ये थी, अब इस टेम्परेचर टी डैश पर इस मैक्सिमम इंटेंसिटी के करिस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है लैम्डा एम डैश, वो लेफ्ट में शिफ्ट होती है, यानी टेम्परेचर यहां से ये बढ़ा तो वेवलेंथ घटती है, राइट। तो इसका मतलब है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड में इनवर्स का रिश्ता है, इसे मींस डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। तो यहां पर एक बात और क्या निकली, पहली बात देखो मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूं, यहां देखिए क्या, विद इंक्रीज इन वेवलेंथ इंटेंसिटी इंक्रीजेस बिकम्स मैक्सिमम देन डिक्रीजेस। तो पहला तो यह आया, विद इंक्रीज इन वेवलेंथ इनिशियली इंटेंसिटी ई लैम्डा इंक्रीजेस बिकम्स मैक्सिमम एट अ डेफिनेट वेवलेंथ लैम्डा एम, इसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये बोला जाता है। तो जिस वेवलेंथ पर इंटेंसिटी मैक्स होता है उसे लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, इसे हम बोलते हैं कि वेवलेंथ करिस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये आ गया। उसके बाद और क्या देखा गया, अगर ये ग्राफ हायर टेम्परेचर पर उसी बॉडी के टेम्परेचर को हाई करके प्लॉट करें तो वेवलेंथ करिस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट। तो अगली बात क्या आती है, इफ टी इंक्रीजेस देन लैम्डा एम शिफ्टेड, लैम्डा एम का मतलब वेवलेंथ करिस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी इज शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट,
लेफ्ट की तरफ जाता है। तो इसका मतलब टी डैश टेम्परेचर जिस पे ये ग्राफ प्लॉट किया गया ये टी से बड़ा है। इट इज कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसे हम अभी बताएंगे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बेटा हम लोग इसको पढ़ेंगे अभी, चिंता ना करें बिल्कुल, ठीक है बेटा करेक्ट। दो कंक्लूजन आया। तीसरी कंक्लूजन क्या था, आप इसे नोट कर लो बेटा, पॉज कर लो वीडियो, जैसे भी आप नोट कर लो, इसको पॉइंट टू डाल दो अगर इसको हमने वन डाला है, ठीक है बेटा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बढ़िया। चलिए आइए बेटा थर्ड पॉइंट हम ये ले रहे हैं, ये आता है क्या, आप ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ अगर टेम्परेचर टी पे प्लॉटेड है तो ये टी डैश से प्लॉटेड है। किसी ग्राफ का वेवलेंथ एक्सिस के साथ जो एरिया कवर्ड आता है, ये एरिया कवर्ड, तो ये अगला क्या आता है, एरिया कवर्ड बाय ई लैम्डा लैम्डा ग्राफ रिप्रेजेंट्स या प्रोपोर्शनल टू, ये किसके रिप्रेजेंट करता है, प्रोपोर्शनल टू होता है एनर्जी एमिटेड, टोटल एनर्जी एमिटेड। तो अगला पॉइंट आता है एरिया कवर्ड बाय ई लैम्डा लैम्डा ग्राफ विद लैम्डा एक्सिस रिप्रेजेंट्स या प्रोपोर्शनल टू, रिप्रेजेंट्स और प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम पर यूनिट एरिया एरिया या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूमेरिकल के लिए। तो बेटा ध्यान रखिएगा, ये जो ग्राफ है, चाहे ये वाला ग्राफ हो चाहे ये ग्राफ हो, ये जो लैम्डा एक्सिस के साथ जो एरिया कवर्ड करता है दैट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम पर यूनिट एरिया, राइट। दैट इज इसका मतलब हुआ कि एरिया, ध्यान रखिए एरिया का मेरा मतलब है एरिया ऑफ ग्राफ, ठीक, इज प्रोपोर्शनल टू ई, ये बात है। बट तो पता है ई इज प्रोपोर्शनल टू या ई इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर फोर, यह तो इसका तो कंक्लूजन क्या निकला, देयरफॉर ये कंक्लूजन निकला कि बेटा ये जो एरिया है, यानी एरिया, ध्यान रखिएगा एरिया इस ग्राफ का है, उस बॉडी का सरफेस एरिया नहीं है, इज प्रोपोर्शनल टू ई एंड इज प्रोपोर्शनल टू टी पावर फोर, ये नेक्स्ट बात है। तो अगर आपसे कहा जाए दिस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट पावर ऑफ द टेम्परेचर, तो लिखोगे दिस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर, ये बात आ गई। तो ये ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के ये तीन महत्वपूर्ण पॉइंट आए, एक और है थोड़ा सा हुआ, तो इतना नोट कर लो, फिर थर्ड लास्ट पॉइंट एक और बता, लास्ट एक पॉइंट है जिसमें पॉइंट नंबर फोर लिख रहे हैं, और वो ये है, ध्यान रखिएगा इस पूरे ग्राफ के द्वारा कवर्ड एरिया जो होता है वो टी की पावर फोर के प्रोपोर्शन होता है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज द एनर्जी करिस्पॉन्डिंग टू लैम्डा एम, मतलब इस लैम्डा एम पर ये जो ई लैम्डा की या इंटेंसिटी को जो वैल्यू है वो क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो लैम्डा एम के करिस्पॉन्डिंग जो ई लैम्डा की ये जो वैल्यू है इंटेंसिटी की, इसका टेम्परेचर से क्या रिश्ता है, तो ये बेटा टी पावर फाइव के प्रोपोर्शन होता है। तो ध्यान रखिएगा फोर्थ पॉइंट है मैक्सिमम इंटेंसिटी, बेटा ये मैक्सिमम इंटेंसिटी जो इसके करिस्पॉन्डिंग या इसके करिस्पॉन्डिंग है, मैक्सिमम इंटेंसिटी और इंटेंसिटी करिस्पॉन्डिंग टू बॉन्डिंग टू लैम्डा एम, यानी वो इंटेंसिटी जो लैम्डा एम के करिस्पॉन्डिंग होती, और वो जानते क्या है ई लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू टी पावर फाइव। तो अगर आपसे पर्टिकुलर ये इंटेंसिटी पूछा जाए ये टी पावर फोर के बराबर है, ध्यान रखिएगा इस पूरे में एनर्जी रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट पूछा जाए तो वो टी पावर फोर था, तो पर्टिकुलर इंटेंसिटी ये टी पावर फाइव के प्रोपोर्शन होती है। ये बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ है, दो तीन बातें इंपॉर्टेंट बताता है, पहला एरिया कवर्ड जो होता है वो रेडिएंट एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया के प्रोपोर्शन होता है, इसलिए ये एरिया कवर्ड टी पावर फोर के प्रोपोर्शन होता है। दूसरा
अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी लेफ्ट में शिफ्ट होती है। नेक्स्ट और बात जो आती है वो क्या, इंटेंसिटी करेस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा एम, यानी लैम्डा एम पर जो पॉइंटेड इंटेंसिटी है ये टी पावर 5 के प्रोपोर्शन होती है। क्लियर, ये इतनी बात इसमें आई। अब नेक्स्ट बात इतना नोट कर ले बेटा, फिर आते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखिए वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ करना है तो जो ग्राफ अभी बनाया है उसको ही हम दो तीन टेम्परेचर पर फिर से बनाते हैं। देखो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये कहता है, ये क्या कहता है, अगर इंटेंसिटी एमिटेड फ्रॉम अ बॉडी एट एनी टेम्परेचर एंड द वेवलेंथ लैम्डा में ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ये आया ये तीन ग्राफ्स किसी एक ही बॉडी के डिफरेंट टेम्परेचर पे बनाए गए, ये T1 पे, ये T2 पे, ये T3 पे बताया। आप सबसे पहले चेक करें कि इसकी पीक वैल्यू जो है इंटेंसिटी की लैम्डा M1 पर है। देखो इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू लैम्डा M1 पर है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इंटेंसिटी की अगर आप देखिए लैम्डा M2 है, और इसकी इंटेंसिटी की वैल्यू जो है मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी जिस वेवलेंथ के करेस्पॉन्डिंग है वो लैम्डा M3। वीन्स ने यही ऑब्जर्व किया और उसने क्या कहा, किसी भी ब्लैक बॉडी को या किसी भी बॉडी को जब हीट अप करते हैं तो उससे जो रेडिएशन एमिट होते हैं, हीट रेडिएशन एमिट होते हैं, उनकी इंटेंसिटी और वेवलेंथ में अगर ग्राफ डिफरेंट टेम्परेचर पर प्लॉट किए जाते हैं देन इट हैज बीन फाउंड दैट If temperature increases, यानी यहां पर आप पाओगे T3 is greater than T2 is greater than T1। अगर ये temperature T1 से बड़ा T2 है, T2 से बड़ा T3 है, तो ये देखा गया है कि peak value के corresponding जो wavelength होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। यही Wien's displacement law है। ये क्या कहता है, wavelength corresponding to maximum intensities is shifted or displaced towards left with increasing temperature. According to this law, wavelength corresponding to maximum intensity is shifted towards left or displaced towards left with increase in temperature. Temperature बढ़ता है तो lambda m छोटा होता है. That is क्या आया? Lambda m is inversely proportional to T. ये Wien's displacement law है. अगर हम इसको अगले स्टेप में ले जाए तो आप देखो इधर ले आओ अगर, तो क्या आएगा, लैम्डा एम इंटू टी इज कॉन्स्टेंट, ये इक्वेशन नंबर 2 लिख लो। क्लियर, लैम्डा एम इंटू टी इज कॉन्स्टेंट आया। ये जो कॉन्स्टेंट होता है इसे वीन्स कॉन्स्टेंट कहते हैं। ये कॉन्स्टेंट जो होता है दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड वीन्स कॉन्स्टेंट, इसे वीन्स कॉन्स्टेंट बी से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी आ गया। क्वेश्चन 3, जहां पे वीन्स कॉन्स्टेंट जो बी है बेटा, इसकी वैल्यू 2.89 इंटू 10 पावर माइनस 3 होता है। इट्स वैल्यू इज 2.89 इंटू 10 पावर 3। यूनिट आप देख सकते हैं बेटा, बी का यूनिट क्या होगा, वेवलेंथ का यूनिट क्या हुआ मीटर, टेम्परेचर का क्या केल्विन, तो आप लिख सकते हैं मीटर केल्विन। या वीन्स लॉ का बड़ा बेटा इंपॉर्टेंस है, क्यों, क्योंकि आप देखिएगा बी हमें पता है, अगर कोई मतलब आप समझिएगा द इंपॉर्टेंस ऑफ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इज व्हाट, इसका एस्ट्रोफिजिक्स में, एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में बड़ा यूज है। बहुत दूर स्टार से जिसकी रोशनी बहुत ही टिमटिमाती हुई नजर आती है, वहां से आने वाली भी अगर जो रेडिएशंस हैं उसके अगर ये कर्व बनाए जाए और लैम्डा एन विच इज द वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर उस कर्व से फाइंड आउट कर लिया जाए, तो लैम्डा एम आप कर्व का स्पेक्ट्रम, उसके जो वहां से लाइट आती है, वहां से जो रेडिएशंस आते हैं उनका स्पेक्ट्रम बना के अगर हम ग्राफ के करेस्पॉन्डिंग लैम्डा एम फाइंड आउट कर लें तो लैम्डा एम पता चल गया। बी तो आपको नोन है, कॉन्स्टेंट होता है, तो आप उस स्टार का टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए थ्योरेटिकल कि टेम्परेचर ऑफ द डिस्टेंट स्टार
इज ऑब्टेन्ड या इज मेजर्ड ऑन व्हाट बेसिस, तो आप लिखोगे इट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, राइट। तुम कहोगे सर स्टार तो सन भी है हमारा जो सूरज है उसका, बेटा सूरज की तपिश, सूरज की गर्मी हमें फील होती है, सूरज का टेम्परेचर निकालने के लिए हम स्टीफन्स लॉ यूज करते हैं। तो सूरज का टेम्परेचर पायरोमीटर से मेजर किया जाता है, वो स्टीफन्स लॉ पर बेस्ड है, लेकिन दूर के स्टार का टेम्परेचर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के इस फॉर्मूले से इस्तेमाल करके मेजर किया जाएगा। क्लियर बेटा? और अगर आपसे किसी जगह पर सन जो कि स्टार है उसके भी रेडिएशन के इस तरह ग्राफ बना लिए जाए, क्योंकि आप सभी मैंने बताया कि सन का टेम्परेचर हम स्टीफन्स लॉ लगा के करते हैं, तो आपके मन में आएगा कि सर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा के हम सन के सरफेस का टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, उससे भी कर सकते हैं स्टीफन्स लॉ से। वो एक थर्मोमीटर है, वो तो सीधे निकालता है। अब आपको कि सन का टेम्परेचर क्या हम इस ग्राफ से कर सकते हैं? यस बेटा, सन से आने वाले रेडिएशंस का ई लैम्डा और लैम्डा का ग्राफ ऐसे बनाइए, उसके मैक्सिमम इंटेंसिटी से करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा एम नोट करिए। लैम्डा एम अगर पता है, बी पता है, तो टेम्परेचर ऑफ सन भी निकाल सकते हैं। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से आप टेम्परेचर ऑफ अ फार स्टार सन का भी निकाल सकते हैं, लेकिन सन का टेम्परेचर हम स्टीफन्स लॉ या फिर पायरोमीटर से भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। द सोलर रेडिएशन, देखो द सोलर रेडिएशन स्पेक्ट्रम शोज दैट द इंटेंसिटी करिस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ 4750 एंगस्ट्रॉम इज मैक्सिमम। मतलब जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है उसकी वेवलेंथ ये है, इसका तो ये लैम्डा एम हो गया। तो सॉल्यूशन में आइए तो आप कहोगे इसमें लैम्डा एम इज एक्चुअली 4750 एंगस्ट्रॉम। अगर आप मीटर में करना चाहें 4750 इंटू 10^-10 मीटर, ये आ गया, करेक्ट। अब कहते हैं फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ द सन, अगर वीन्स कांस्टेंट दिया है, तो बेटा अगर लैम्डा की वैल्यू दी जाए टेम्परेचर फाइंड आउट करना हो, तो ध्यान रखिएगा टेम्परेचर फाइंड आउट करना हो लैम्डा की वैल्यू दी जाए, तो आप वीन्स फॉर्मूला लगाइएगा लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी, हमें टी चाहिए तो टी इक्वल टू बी अपॉन लैम्डा एम। बी की वैल्यू बेटा 2.89 × 10^-3 अपॉन लैम्डा एम इज 4750 × 10^-10। आप फाइंड आउट करिए इसको, तो इसकी वैल्यू केल्विन में सीधे आएगी 6084 आ जा रहा बेटे, तो आप कैलकुलेट करिएगा 6084 केल्विन आएगा। तो सन के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो लगभग 6084 के, तो इस तरह से वीन्स फॉर्मूले से आप इसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, आप नोट कर ले बेटा, क्वेश्चन नेक्स्ट लीजिएगा। अ ब्लैक बॉडी एमिट्स, ये क्वेश्चन देखिएगा, अ ब्लैक बॉडी एमिट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 16 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इट्स मोस्ट इंटेंस रेडिएशन करिस्पॉन्ड्स टू 20,000 एंगस्ट्रॉम, यानी ये लैम्डा एम की वैल्यू दी है पहले केस में। If the temperature of body is further increased and most intense radiation correspond to 1000 angstrom, तो पता जब टेम्परेचर बढ़ता था तो लैम्डा एम कम हो रहा था, लेफ्ट में शिफ्ट होता था, तो देखो लैम्डा एम की वैल्यू कम हो जा रही है। देन फाइंड आउट द एनर्जी रेडिएटेड, यानी एनर्जी रेडिएटेड बताना है, यानी ई1 की वैल्यू 16 दे रखी है बेटा जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एनर्जी रेडिएटेड ई2 पता करना है, और इन्होंने बोला मैं T1 T2 लिख रहा हूं, लैम्डा 1 लैम्डा 2, ये लैम्डा M1 है बेटा, ये लैम्डा M2, पूरा चाहे तो लैम्डा M1 लिख लीजिए, इसे लैम्डा M2 लिख लीजिए, ये एंगस्ट्रॉम में ही आएगा। तो अब तुम कहोगे कि टेम्परेचर की तो वैल्यू नहीं वेवलेंथ की दी है, तो आप बताइएगा एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन। आप ऐसे करिएगा, देखो सिंस तुम्हें याद होगा कि लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्लियर बेटा, तो इसका मतलब टी इज प्रोपोर्शनल टू 1/λm है, ये क्वेश्चन आई। एंड इंटेंसिटी एमिटेड आप देखिएगा, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम पर यूनिट एरिया, या पूरा लिख लें सिग्मा टी, या प्रोपोर्शनल T^4 है, इक्वेशन 2 लिख लो। तो आप देखिएगा ई और टी में ये रिश्ता है और टी में ये है, तो आप अगर इस टी की जगह पर ये ले आए, therefore आप कह सकते हैं कंपेयरिंग
कंपेयर करते हैं बेटा वन एंड टू, तो आप क्या पाते हैं कि भैया जो एनर्जी का टेम्परेचर से ये रिश्ता है तो लैम्डा से तो उल्टा आएगा, तो आ जाएगा ई इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन लैम्डा एम की पावर फोर। ये आ गया। बोलिए बेटा देखो टी की पावर फोर की जगह वन अपॉन लैम्डा एम लिख दीजिए, तो फार्मूला आपका ये बन गया ई वन अपॉन ई टू इक्वल टू लैम्डा एम वन अपॉन लैम्डा एम टू की पावर फोर। गलत हो गया ना। देखो बेटा E और लैम्डा M में इनवर्स का रिलेशन है, तो अगर यहाँ E1 है और E2 है तो यहाँ लैम्डा M2 अपॉन लैम्डा M1 आ जाएगा पावर फोर। अब आप देखिएगा E1 इज 16, E2 फाइंड आउट करना है, लैम्डा M2 को 10,000 रखा है, एंगस्ट्रॉम में रहने तो जब रेशियो हो तो बेटा कन्वर्जन की जरूरत होती नहीं है। 20,000 पावर फोर ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 1/2 16 अपॉन ई टू इक्वल टू देखो बेटा 1/2 पावर 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया 16 बाई ई टू इक्वल्स टू 2 पावर 4 क्या हो गया 2 की पावर 2 हो तो 4, 3 बार हो तो 8, 4 बार है तो क्या हुआ 16। तो इसका मतलब ये हुआ इज इक्वल टू 1/16। तो ई टू इक्वल टू बेटा 16 इंटू 16 means E2 is equal to 256 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा, 256 आ जाना चाहिए। तो इसकी वैल्यू बेटा 256 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक, तो हम कैसे वीन्स लॉ से स्टीफेंस लॉ होते हुए कंपेयर करेंगे आप नोट कर लें।